डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माहरीन ने कोरोना की राह में मज़ाहम इंसानी जीन में कुदरती तब्दीलियों की मौजूदगी का पता लगा लिया है। इस तरीके से कोरोना के मुमकिन मरीज को वायरस के होने या ना होने का पता चलाया जा सकेगा। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। जी, दुनिया भर में कोरोना वायरस के इलाज के सिलसिले में तहकीक की जा रही है और तमाम लोग सर जोड़ कर बैठे हैं कि कोरोना वायरस का इलाज जो है वो किस तरह किया जाए। इसी सिलसिले में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने भी एक तहकीक की है जो कि इंसानी जीनोम यानी ह्यूमन जीन्स पर है कि किस तरह जो है ह्यूमन जीन जो है अगर काम किया जाए उस पर। और जो पेपर, रिसर्च पेपर जो शाया हुआ है डाउ यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल जर्नल में, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, उनसे बात करते हैं। जो आप लोग तहकीक की है, किस हद तक ये कोरोना के इलाज में या उससे बचाव में मुफीद साबित होगी? अच्छा, ये कोरोना के इलाज से तो इसका ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता कोरोना के हवाले से जो कुदरती मुदाफ़ियत है इंसानों में उससे इसका ताल्लुक है। और असल में इसमें हमने देखा ये था कि इंसानी जीन, जिसे ACE2 एक जीन है इंसान का, जिससे जो प्रोटीन बनती है उससे वायरस जुड़ता है, और ये जब जुड़ता है ये इन्फेक्शन के बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में उससे जुड़ रहा होता है। वी हैव एक्चुअली एक्सप्लोर्ड के उस ACE2 जीन के अंदर जो म्यूटेशंस थी, कुछ ऐसी म्यूटेशंस हमने आइडेंटिफाई करी हैं जो कि मुमकिन तौर पे इस वायरस को जुड़ने से रोक सकती हैं। तो जिन इंसानों में ये म्यूटेशन पाई जाएगी उन इंसानों में वायरस नहीं जुड़ पाएगा, यानी कि इन्फेक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, जिनका यही कहना है कि इस सिलसिले में तहकीक की जा रही है। जल्दी कोशिश है कि जी जो लोग कोरोना के टेस्ट कराने आ रहे हैं उनके उसी वक्त जो है जो ह्यूमन जीन है या जीनोम है उसकी जो है टेस्ट कर लिए जाएँ ताकि उनकी ज़िंदगियों को बआसानी बचा जा सके और जो करंटीना में उनको रखने का प्रोसेस है वो वहीं तक ही महदूद रहें। वेंटिलेटर और आइसोलेशन और जो क्रिटिकल केयर की जो उनको ज़रूरत है वो ना पेश आए। जी।